नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुजात एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के विषय में जानेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों के चेहरे पर ब्राउन या ग्रे कलर के कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, इनको हम झाइयाँ बोलते हैं। एलोपैथ में इसी को मिलेस्मा या हाइपर पिगमेंटेशन कहा गया है। ये झाइयाँ किस चेहरे पर कहीं पर भी हो जाती हैं, संपूर्ण चेहरे पे कहीं पर भी हो सकती हैं, कभी माथे पे हो जाती हैं, कभी गालों पे हो जाती हैं, नाक पर हो सकती हैं, होंठ के चारों तरफ हो जाती हैं, कभी कभी कान के पीछे या गर्दन पर भी हो जाती हैं। इन झाइयों से उस रोगी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं होती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं आती है, लेकिन हाँ, उस रोगी को, उस व्यक्ति को जिसको झाइयाँ हैं, ये उसके दिमाग में आ सकता है कि वह सुंदर नहीं दिख रहा है, या उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, या वह अच्छा नहीं दिख रहा है, या उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो गई है। तो झाइयों के कारण कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तो नहीं होती है, हाँ, लेकिन कुछ व्यक्ति अवसाद में जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं झाइयों के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, झाइयों का पहला कारण है सूर्य की किरणें। सूर्य, जो व्यक्ति सूर्य की धूप में रहते हैं, जो व्यक्ति सारा दिन सूर्य की धूप में रहते हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं खेतों में काम करती हैं, कुछ पुरुष खेतों में काम करते हैं, तो उनको झाइयाँ अधिक होती हैं। वैसे झाइयाँ महिलाओं में अधिक दिखी जाती हैं, पुरुषों में कम देखी जाती हैं। झाइयों का दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ लोगों को डॉक्टर ही हार्मोन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो उन दवाइयों को लेने से भी उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसके कारण उनमें झाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोगों की थायराइड ग्रंथि विकृत हो जाती है, उसके कारण भी उनमें मेलास्मा, हाइपरपिगमेंटेशन या झाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कई लोग गलत कॉस्मेटिक का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे उनके चेहरे पर झाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोग कुपोषित रहते हैं, अच्छा खान पान नहीं करते, काम में बिजी हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छा फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, हरी सब्जियाँ नहीं खा रहे, तो उसकी वजह से भी उनमें झाइयाँ हो जाती हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में झाइयाँ अक्सर हो जाती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी अक्सर रहती है, इस कारण उनमें झाइयाँ अक्सर हो जाती हैं। झाइयाँ वैसे भारतवर्ष में महिलाओं में अधिक मिलती हैं, पुरुषों में कम मिलती हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं झाइयों की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों, हमारी त्वचा के जस्ट नीचे मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाएं रहती हैं। किन्हीं कारणों से जब ये मेलानिन पिगमेंट अत्यधिक बनाने लगती हैं, तो यही पिगमेंट ऊपर वाली त्वचा में आके जमा हो जाता है और झाइयों को उत्पन्न करता है। इसी कारण झाइयों को कई बार हम हाइपर पिगमेंटेशन भी बोल देते हैं, और इसी को मेलास्मा भी बोला जाता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको झाइयाँ ठीक करने का एक शाही नुस्खा बताऊंगा, जिसका प्रयोग करके आप सिर्फ 10 से 12 दिन में झाइयों को कम कर सकते हैं और 20 से 21 दिन में झाइयों से मुक्त हो सकते हैं और चेहरे पर आपके निखार आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। जिन व्यक्तियों को झाइयाँ हैं, उनको कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। खाने में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ हैं, दालें हैं, छिलके वाली दालें हैं, फल फ्रूट हैं, खासतौर से सेब और गाजर का प्रयोग ज़्यादा करें। जिन लोगों को झाइयाँ हैं, गाजर का जूस पिएं, सेब एक या दो सेब, कम से कम दो सेब प्रतिदिन का सेवन करें। अब मैं आपको कुछ लेप बताऊंगा जो झाइयों वाले रोगियों के लिए वरदान हैं। पहला नुस्खा, आधा नींबू लें, आधा चम्मच हल्दी लें और 2 चम्मच बेसन लें, तीनों को मिलाकर एक लेप बना लें और चेहरे पर लगाएं, आधे घंटा लगा रहने दें, उसके बाद ताज़ा पानी से साफ कर लें। ऐसा प्रतिदिन करने से 10 से 12 दिन में झाइयाँ कम होने लगती हैं, चेहरे पर निखार आता है, चेहरे पर झुर्रियाँ इत्यादि भी कम हो जाती हैं, और 20 से 21 दिन में यानी कि 3 हफ्ते में कोई भी व्यक्ति झाइयों से मुक्त हो सकता है। दूसरा एक अत्यंत प्रभावकारी नुस्खा है, इसे शाही नुस्खा भी कहा जाता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी लें, 50 ग्राम रक्त चंदन लें, 50 ग्राम हल्दी लें, 50 ग्राम लोद्र लें, 50 ग्राम मंजिष्ठा लें। दोस्तों, इन सब के
पिसे हुए पाउडर बाजार में मिल जाते हैं, अन्यथा इन इन बूटियों को लेकर आप खुद कूट पीस कर और पाउडर छान लें, एक बारीक पाउडर आपको बन जाएगा। इस पाउडर का 2 चम्मच लें और उसमें कच्चा दूध मिला के लेप बनाएं। इस लेप को चेहरे पर लगाएं, आधा घंटा लगा रहने दें और आधे घंटे के बाद ताज़े पानी से धो लें। निश्चित रूप से 20-21-22 दिन में आपकी झाइयाँ नष्ट हो जाएंगी। लोग कहेंगे कि ये कैसे, क्या किया आपने, कौन सा नुस्खा अपनाया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि आप ये इतना भी नहीं करना चाहते, इतनी भी परिश्रम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ बनी बनाई मेडिसिन बाजार से लेना चाहते हैं, तो कुमकुम आदि तेल, नाम एक बार दोबारा सुनिए, कुमकुम आदि तेल बाजार से खरीद लाइए और इसको सुबह शाम चेहरे पर लगाइए और सादे साबुन से, सादे पानी से धो लीजिए। 20-21 दिन ऐसा करने से निश्चित रूप से झाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, झाइयों का लेप लगाते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप धूप में ना निकलें। जब भी आप झाइयों का ट्रीटमेंट, इलाज ले रहे हैं, धूप में ना निकलें। अगर धूप में निकलना ही पड़ता है तो छाता लगा के निकलें।